नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का स्वागत है महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च महीने में पढ़ने जा रही होलिका दहन। दोस्तों, आपको बता दें कि होलिका दहन होती है, होली होती है। इस दिन जो कोई उपाय, छोटे छोटे से उपाय कर लेता है, उन उपायों से उसे इतना लाभ होता है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों की जीवन की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं सौगंध खाता हूँ कि आप इन उपायों को कर लेती है, जो कि मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उनसे आपको करोड़पति धनवान जो कोई आपकी मनोकामना है भाई पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। दोस्तों, आपसे महायोग टीवी चैनल का यह वादा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, खास तौर पर होली जैसा बड़ा पर्व इस माह में मनाया जाता है। दरअसल होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। इस दौरान घरों में गुजिया और पकवान बनाए जाते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली पर विधि अनुसार पूजा करने का भी विधान है। वहीं कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी करते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं तो आप इस बार होली पर कुछ उपाय की सहायता से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। उन उपायों को बताने से पहले आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, यानी कि होली का जलाई जाएगी। इसके बाद 25 मार्च को होली खेली जाएगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 24 मार्च को जो व्यक्ति इन उपायों को करता है तो आप उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह होली की राख से इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। और भी हम बहुत सारे आपको उपाय बताएंगे, जो आपको सभी उपायों को आप अवश्य जरूर करना, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। दोस्तों, यह उपाय को आप 24 मार्च से 25 मार्च तक कभी भी इन उपायों को किया जा सकता है तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि होली के समय जो उपाय किए जाते हैं इसे विशेष लाभ होता है, क्योंकि तब माँ लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है और हमें मनोवांछित फल भी देती है। इसलिए आपको होली का दहन की दया दिन या फिर 25 मार्च के दिन उपायों को आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही लाभ को माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा हो। चली जान लेते हैं उन उपायों को हम बारी बारी से। दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ। चलिए जानते हैं, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, और साथ में माना जाता है कि फिर कोई हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और यह भी माना जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी व्यक्ति को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह अवश्य करना चाहिए, घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतार कर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको इस किस तरह से इस चीज को करना है। दोस्तों, आपके घर के जो आप 3-4 आपको मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होलिका दहन में डाल देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता, और होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। इसलिए इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और हम भी इस उपाय को अवश्य ही करती है। इसलिए आपको भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें,
फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहाँ जाए तो एक तरह से आप घर में माँ लक्ष्मी को बांधकर अपने घर में रख लेते हैं। इस उपाय को हम भी अवश्य ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से आत्मा लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके रख लेती है और जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, आगे भी वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि और भी हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताएंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इस होली के पर्व पर मैं सौगंध खाता हूं कि आपको कितना धन लाभ या फिर आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपकी अवश्य ही पूर्ण करवा सकता हूँ। दोस्तों, मैं महायोग टीवी का ओनर आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा ही देखें। अब हम आगे भी आपको और उपाय भी बता देते हैं कि होली के दिन आपको और कौन सा उपाय करना आवश्यक जरूरी है जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करवा सकता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। अगर आप इस उपाय को होली के दिन कर लेते हैं तो मन कर चली आप पर जो कोई कर्ज आप किसी का कर्ज लिए थे, वह कर्ज अपने आप ही वह आपसे या तो मांगना बंद कर देगा या फिर आपके घर पर इतना धन आ जाएगा कि उसे आप लाख गुना भी कर्ज उसका वापस करवा सकते हैं। इसलिए आप नरसिंह स्रोत का पाठ अवश्य ही करवा। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पाठ को करवा देता है उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती और उसे पर जो भी कर्ज या फिर कोई समस्या है उसके ऊपर चल रही है वह प्रत्येक समस्या दूर हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। अगला उपाय अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और साथ में ही हैप्पी माना जाता है कि आपकी जैसी की नौकरी नहीं लग रही है तो बहुत ही जल्दी नौकरी भी लग जाती है और आपके जीवन में जो समस्या जल्दी चली आ रही होती है उन समस्याओं से इस एक नारियल से आपका बेड़ा पार हो जाता है और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए आपको इस नारियल के इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए जिसको उससे आपको लाभ ही लाभ हो। अब हम आपको अगला उपाय बता देती हैं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है। बीमारी से दिलाएगा राहत। अगर आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगा दे। ध्यान रहे कि आपको यह उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। होलिका दहन की राख के इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्द ही सेहतमंद हो जाएगा और जो उसे बीमारी थी वह हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की हम पर स्वयं कृपा हो जाती है और हमारी प्रत्येक बीमारियों को उपाय क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन पर जिसको भगवान पर विश्वास होता है उसकी भगवान भी अवश्य ही प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कोई बीमारी हो तो वह भी क्षण भर में ही दूर कर देते हैं, क्योंकि यह माना ही नहीं बल्कि यह सत्य बात है कि हमें भगवान के द्वारा ही जन्म दिया गया है, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान पर आपको विश्वास होगा तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। यह चीज आपको किसी को भी दान कर देना है, यानी कि अगर इसको आप कर लेते हैं तो मन कर चली आपको इससे भी तथा लाभ होता है। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति के पास इन उपायों को नहीं कर सकता वह इस उपाय को अवश्य ही करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब हम अगला उपाय भी आपको बता देते हैं
दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। नजर दोष को दूर करने के लिए अगर आपको ऊपर या घर में किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है तो इसे दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय से हर तरह को नजर दोष दूर हो जाता है। टोने टोटके का असर आप पर न हो इसके लिए होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर भी पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ताबीज में भरकर उसकी राख पहन लेते हो तो आपको मनोरंजन फल की भी प्राप्ति होती है और आपकी धन दौलत की आपको कभी आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप होलिका दहन हो रही होती है, अगर उसे रात का आप जो कोई भी उपाय करती हैं आपको लाभ ही लाभ होता है। पर उपाय को तभी लाभ होता है जब आप जिस माध्यम से आपको उपाय बताया जाता है आप इस तरह से उन उपायों को करते हैं तभी आपको विशेष लाभ ही लाभ होता है। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से परेशान हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की महादशा को ठीक करने के लिए भी इस उपाय को अपना सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए होलिका की राख की पोटली बनाएं और अपने पास रख लें, फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इस अचूक उपाय से हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। आप चाहे तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपको कभी फिर धन आपकी घर से या फिर आपके पास से कभी खत्म नहीं होगा। वह खत्म होने से पहले आने की जगह बना लेगा और आपके पास में वह द्वारा सीधी आ जाएगा। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। हम दोस्तों इस चीज को अवश्य ही चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई धन संपत्ति की कमी ना पड़े। इसलिए आपको हम इतने ज्ञान भर तक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, माता बहनों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास भेजें जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से महायोग टीवी चैनल के माध्यम से उन सभी को फ्री में जानकारी पहुंचे। चलिए हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं। गृह क्लेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ आटा चढ़ाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और तू फालतू की खर्ची होती है बाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि फिर आपके मन में कोई फालतू खर्च करने का विचार नहीं आता और आप फिर एक धनी व्यक्ति बनने लगते हैं। इसलिए आपको फालतू खर्च नहीं ही करना चाहिए। साथ में अगर आप फिर भी फालतू खर्ची स्वरूप नहीं रही है तो इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। दांपत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। आपने देखा होगा कई ऐसी हमारी महिलाएं होती है जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है और या फिर उन्हें नजर के कारण उनका सिर दर्द करने लगता है, उनकी आंखें दर्द करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कर सकते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने की बात
फिर आपको कभी नजर नहीं लगती एवं आपके घर पर भी कोई नजर का प्रभाव नहीं पड़ता और फिर आप चाहे जितना सुंदर हो आपको नजर नहीं लगेगी क्योंकि यह फिर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा क्योंकि नजर दूर से या बहुत ही अच्छे से बचाता है। हमें होलिका दहन की रात तगर काक जंघा केसर को क्ली काम देवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात नमो धंदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में धन संपत्ति की कमी होती है उसके घर में धन संपत्ति बहुत ही तेज तरीके से बढ़ने लगती है या फिर कहीं से लॉटरी लगने का योग बन जाता है। बस इस उपाय को करने की बाद आपका सच में ही लॉटरी जैसा कोई अचूक उपाय हो जाता है जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक एवं महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। अब हम आपको अगला उपाय और बता देती हैं। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को किसी भी चीज त्योहार पर नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों मन कर चलिए अगर इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा अगर आपकी शादी या फिर जो कोई आपकी शादी जैसे कि नहीं हो पा रही है जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या को समाधान कर देती है और आपको मनचाही बार की प्राप्ति होती है या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है उसे भी इच्छा हो या बड़ी ही आसानी से पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगला उपाय उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा महापुरचंद उपाय बताने वाला हूँ जी उपाय को अगर आप कर लेते हो मन कर चलिए उसे उपाय को आप 24 मार्च की रात को या फिर 25 मार्च की रात तक यह उपाय को कर लेते हो तो मन कर चलिए आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं क्योंकि इस उपाय को अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन दो तारीख को मैसेज किसी भी एक तारीख पर कर लेते हो तो आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आपकी सब कुछ ही आपका बदल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको क्या कर लेना है आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों महायोग टीवी चैनल का ओनर आपसे विशेष रूप से कहना चाहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं। इस छोटे से उपाय को कर लेना दोस्तों आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों ऐसा आपको क्या कर लेना है आपको मैं अब विशेष रूप से बताता हूँ कि आपको इस उपाय को किस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहाँ कहीं पीपल हो वहाँ पर रात के समय यानी कि रात की 12 के समय वहाँ पर आपको चले जाना है और 12 के टाइम पर आपको वहाँ जाने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वहाँ जाने से पहले दोस्तों आपके साथ में एक दिया ले जाना है और थोड़ा सा भी ले जाना है और एक माचिस ले जाना है। वहाँ पर इन तीन चार चीजों को आपको ले जाना है और ले जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर जो हमारा दीपक होता है उसमें आप घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद वहाँ पर आप पर उसमें बातें डालकर और उसे दीपक को उसे पीपल के नीचे जला दीजिए और आपके जो मनोकामना है जो इच्छा है वहीं पर आप बोल दीजिए और साथ में एक छोटा सा कार्य और करें। उसके जो पीपल होता है उसके पेट उसके आसपास आवश्यक रूप से डाले होते हैं उनमें से एक पत्ता को आपको उठा लेना है और जो पत्ता डाली पर लगा हुआ होता है जो डाली पर लगा हुआ होता है उसे पेट की जो डाली होती है उसको आपको उसकी घी में आपको डूबा देना है
और डूबने के बाद आपके साथ चक्कर आपको पीपल के वृक्ष के लगा लेना है। दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस कार्य को करते समय आपको कोई भी देखना। आपको पीपल के साथ चक्कर लगा लेना है और सात चक्र लगाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना पर ही आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर ध्यान केंद्रित कर लेना है। कुछ टाइम के लिए ही आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना को जितनी बार बोल सके उतनी बार उसे मनोकामना को आप अवश्य ही बोल। फिर देखिए दोस्तों, आपको 5 से 7 दिन में ही देख लेना दोस्तों, आपकी जो भी अपने मनोकामना मांगी थी वह अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं और जो भगवान विष्णु होते हैं यह दूसरों के करीबी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन की इच्छा है तो अवश्य ही है, पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया उसने माँ लक्ष्मी को तो पहले ही प्रसन्न कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान की ही महालक्ष्मी होती है। दोस्तों, इसलिए आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे, इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना है, आपको लाभ ही लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन जिस जो व्यक्ति इन उपाय को करता है उसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है, और इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ इन 2 तारीख को मैसेज आप किसी भी एक दिन अवश्य ही कर सकते हैं। और मैं जिस तरह से आपको बताया है इस तरह से आपको इस उपाय को करना है, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले एक बात अवश्य ही कहना चाहूँगा, इस पूरी बात सोच लीजिए पहले आपकी, अगर आप पर आपको भगवान पर विश्वास है तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान पर आस्था होना जरूरी है, अगर आस्था ही नहीं है तो भगवान आपको उपलब्ध कैसे दे सकते हैं। इसलिए भगवान पर आपकी सच्ची आस्था अवश्य ही होना चाहिए, उसी से आपको लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि कुछ किसी की सुन लेने से या माल लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको सच्चा भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, अब तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ना लिखा हो तो अवश्य ही लिखते हैं, आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि महायोग टीवी का संकल्प है सभी व्यक्तियों को फ्री में जानकारी पहुंचाना। गोमती चक्र, कौड़ियां और बताशे जलती होली में स्वयं पर से उतार कर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ ही लाभ होगा। जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा, और होली के दिन हमें कौन से कार्य अवश्य करना है और कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना है, जिससे हम अधिक से अधिक लाभ ही प्राप्त कर सके। आयोग टीवी चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताया जाएगा। आपको भूलकर भी 3 कार्य नहीं करने हैं, अगर भूलकर भी आप इन कार्यों को करते हैं तो लाभ की जगह आपको हानि ही हानि होगी। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताते चलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि यह जो ग्रहण पड़ने जा रहा है यह 100 साल बाद का ग्रहण पड़ने जा रहा है। इस ग्रहण का असर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना कि यह किस टाइम पर किस समय, इसका संपूर्ण जानकारी हम महायोग टीवी चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बताएंगे। होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन, जाने इस विशेष दिन पर ध्यान रखने वाली बातें। साल 2024 में मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च के महीने में होली और चंद्र ग्रहण एक साथ एक ही दिन पड़ने वाले हैं। साल 2024 में होली 25 मार्च के दिन पड़ रही है, वहीं साल 2024 का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण भी इसी दिन पड़ेगा। होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है, वहीं चंद्र ग्रहण भी जब भी लगता है उस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। साल 2024 में यह दुर्लभ संयोग 25 मार्च के दिन पड़ रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण का समय सुबह 10:24 बजे से दोपहर 3:01 बजे तक रहेगा, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के हल्के बाहरी हिस्से पेनुम्ब्रा से होकर गुजरता है तो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है।
इसे पेनो मबरल चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का आकार नहीं बदलता। इस दौरान चंद्रमा आम दिनों की तरह ही दिखाई देता है, बस चांद का रंग हल्का सा मटमैला रंग सा दिखाई पड़ता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि चंद्र ग्रहण तीन तरह के होते हैं, पहला आंशिक चंद्र ग्रहण, दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण और तीसरा उपछाया ग्रहण। साल 2024 मार्च में लगने वाला ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। 25 मार्च के दिन को विशेष माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। हालांकि 25 मार्च का चंद्र ग्रहण एक उपछाया ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूतक काल में जरूरी बातों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। ग्रहण के दिन विशेष तौर पर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। 25 मार्च का दिन मीन राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन मीन राशि में सूर्य बुध राहु युति का योग बन रहा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। इस दौरान कई नियमों का पालन करने की मान्यता है जिससे ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। इसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। साल में 4 ग्रह लगते हैं जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। इस दौरान कई नियमों का पालन करने की मान्यता है जिससे ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इन्हीं में से एक काम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना है। तुलसी के अलावा कई चीजें हैं जिसका इस्तेमाल ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किया जा सकता है। दूर्वा घास, ग्रहण के दौरान दूर्वा घास का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दूर्वा घास सर्वश्रेष्ठ है। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए खाने और पीने के सामान में दूर्वा घास रखना शुभ माना जाता है। वहीं भगवान गणेश की पूजा में भी दूर्वा घास अर्पित करने की परंपरा है। तिल राहु केतु की शांति के लिए ग्रहण से पहले तिल रख लें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कर तिल का दान कर दें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गंगाजल, हिंदू धर्म में गंगाजल को पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। ग्रहण के दौरान गंगाजल का इस्तेमाल बहुत शुभ होता है। गंगाजल डालकर स्नान करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव दूर होता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय ऐसी कौन सी भाग्यशाली घटिया होने वाली है जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी बता दे कि पहली राशि है मेष राशि। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको भूलकर भी इन उपायों को एवं इन कार्यों को जिस तरह से बताया है उसे तरह से आपको करना है। और आपको बता दे कि मेष राशि के अब जो कोई कार्य में आपका मन लग रहा है उसे कार्य को आप अवश्य ही करिए। आपको लाभ ही लाभ होगा। कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन मिलने का योग बन रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन के बदलने के तारीख निराली होने का फूल संकेत मिल रही है। आपको बता दे कि आपको संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं से बहुत अधिक धन लाभ होने के योग बहुत ही ज्यादा बन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद अवश्य ही बदल जाएगा और आपकी जो रुके हुए कार्य हैं, जो कई समय से कई सालों से रुके हुए कार्य हैं, चुप हो नहीं रहे हैं। ऐसा संयोग बन रहा है कि आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। इस दिन ऐसा माना जा रहा है कि आपको लाभ ही लाभ होने का योग बन रहे हैं। चलिए अब हम आपको दूसरी राशि बता देते हैं कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। दूसरी जिसका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा वह दूसरी राशि है। आपको बता दी कि यह जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है यह आपको लाभ ही लाभ प्रदान करने वाला है और आपको धन लाभ भी होगा। ऐसा माना जा रहा है अगर कोई आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने का योग बन रहा है। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप मीठी चीज खाकर जाएं, अवश्य ही आपका कार्य लाभ ही लाभ होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो व्यक्ति इस छोटे से कार्य को करेगा उसकी नौकरी इस बार लगने का बहुत ही अचूक संकेत मिल रहे हैं। इसलिए
आप ध्यान रखें कि इस कार्य को अवश्य ही करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके कारण जो पहले से बन नहीं रहे थे, इस चंद्र ग्रहण के बाद अवश्य ही आपका प्रत्येक कार्य बनेगा और आपको लाभ की योग बन रहे हैं, और जो कार्य आपका कई समय से चला हुआ था वह कार्य भी आपका संपूर्ण होने वाला है, और आपसे कोई ऐसा माना जा रहा है कि आपका कोई प्रेम विवाह होने के संकेत भी बना रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपका अवश्य ही उसके साथ विवाह होने का योग बन रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि आप एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आप लाभ ही लाभ होगा। आपको क्या कर देना है यह भी हम बता देते हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 25 मार्च की रात्रि को करना है। आपको एक छोटा सा कार्य करना है, महादेव पर 3 बिल पत्र को चढ़ा आना है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका विवाह संबंधी कोई समस्या चल रही है तो वह अवश्य ही दूर हो जाएगी, और आपकी शादी विवाह के योग आपको गुलाब ही लाभ प्रदान करेगा। ऐसा आप 25 मार्च की दिन के समय यह उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। अब हम आपको दूसरी राशि बता देते हैं, कौन सी है बुक भाग्यशाली तीसरी राशि जिसका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। भाई भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि कुंभ राशि का भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद अवश्य ही बदलने जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी अगर उनके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं तो अवश्य ही आपके दोनों के बदलाव होने वाला है, और आपकी जीवन के तारीख निराले हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण उनके जीवन में तारों की नई सुबह लेकर आएगा, एक ऐसी सुबह में जिसके बाद इनका जीवन बदलने तो निश्चित ही है, साथ में इनको धन लाभ ऐश्वर्या लाभ माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर विशेष रूप से होने वाली है। अगर यह किसी वाहन को लेने के लिए उत्सुक है तो उसे बहन को यह अवश्य ही ले ले, क्योंकि उसे वहाँ से इन्हें बहुत ही अधिक लाभ ही लाभ होने वाला है। इसलिए आप 25 मार्च के दिन आपको एक छोटा सा उपाय भी कर देना है, जिससे आपको और अधिक लाभ ही लाभ होगा। इस उपाय को करके आप लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकती है, साथ में आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 25 मार्च से आप पर दूसरों की कृपा योग बन रहा है, जिससे कि आप पर महालक्ष्मी योग के कारण आपको धन लाभ ऐश्वर्या लाभ माँ लक्ष्मी की आप पर धन की ऐसी बारिश करने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आपको हम बता दे कि आपको एक छोटा सा उपाय भी कर लेना है। दोस्तों, आपको बता दे इससे पहले कि अगर आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही उत्तम है, आप किसी परीक्षा में अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाएंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो व्यक्ति कई समय से पहले से पढ़ाई नौकरी किसी की तैयारी कर रहा है उसको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होगा। अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ हो वाला है। तो आपको क्या कर देना है, हनुमान जी के मंदिर में 25 मार्च की दिन किसी भी टाइम आप चले जाना है, और वहां पर आपको एक छोटा सा दीपक जला देना। ऐसा माना जा रहा है कि 25 मार्च को जो व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएगा उसकी जीवन के तारीख निराली होना निश्चित ही है, इसलिए आप यह उपाय को अवश्य ही करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। जिन जिन व्यक्तियों की राशि इस राशि में नहीं बताई गई है उनके लिए भी हम एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं, जिससे कि उन्हें भी यह लाभ ही लाभ हो। आपको क्या कर लेना है, आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। आप गौ माता 25 मार्च की रात्रि को आपको 9 बजे की टाइम तक आपको गौ माता को एक रोटी अवश्य ही खिला देना। ऐसा माना जा रहा है कि आप 25 मार्च को गौ माता को रोटी खिला देते हैं तो माँ के चलिए आपके जीवन के तारे भेजने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है या फिर जो चंद्र ग्रहण होता है, इस दिन जो व्यक्ति को माता को रोटी खिला देता है उसके जीवन के तर अवश्य ही निराले हो जाते हैं, और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट दरिद्रता दुख समस्या कभी कोई उसके जीवन में फिर कोई पीड़ा
नहीं आती, इसलिए आपको इस छोटी से उपाय को अवश्य ही करना चाहिए जिससे कि आपको गुलाबी लाभ हो सके। दोस्तों, अब तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ना लिखा हो तो अवश्य लिखते हैं, क्योंकि दूसरों की ऐसी कृपा 100 सालों के बाद आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको हर व्यक्ति को लाभ ही लाभ होने के महायोग बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं, क्योंकि हम यह जानकारी फ्री माध्यम से महायोग टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आते हैं।